हेलो फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन। तो आज जो हम लोगों का एक बहुत अवेटेड आइटम हम लोगों ने ऑर्डर किया था वो आज डिलीवरी हो गया है। हम लोगों ने अमेजोन से हमारा न्यू गैस स्टोव 3 बर्नर का ग्लास स्टोव ऑर्डर किया है और आज वो आ चुका है। अब ये कोविड के चलते एक्चुअली आजकल अमेजोन वाले नो टच डिलीवरी करते हैं, तो उन्होंने हमारा पार्सल बाहर ही छोड़ दिया था, लेकिन एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, क्योंकि वो ग्लास टॉप है तो कहीं क्रैक वगैरह ना निकले, इसलिए हम लोगों ने उसको बाहर ही ओपन करके चेक कर जी, हाँ, लिया चेक कर लिया था ताकि उसमें कोई क्रैक वगैरह ना हो और सारे आइटम्स प्रॉपर हों, तो उन्होंने हमको ओपन करके दिखा दिया है। और बाकी आगे की जो अनबॉक्सिंग है वो हम लोग था। आप आपको लोगों के दिखाएंगे। साथ शेयर करेंगे और काशवी इज प्रिटी एक्साइटेड है। काशवी काशवी को बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि काशवी बहुत दिनों से कह रही है कि अब ये क्रांति को हम बाय बाय करते हैं। और आप लोग नहीं जानते क्रांति क्या है, ये हम क्रांति से बाद हम में आपको मिलवाएंगे। अभी हम आपको क्रांति भी मिलवाएंगे। हमारे पुराने किचन सेटअप का एक काफी लंबा हिस्सा रही है, हाँ तो क्रांति से इंट्रोडक्शन आपका काशवी ही करवाएंगी। तो जी, चलिए शुरू करते हैं ये अनबॉक्सिंग वीडियो। अनबॉक्सिंग तो हम लोगों ने कर ली है, अब आप लोगों को फटाफट स्टोव का एक 360 ओवरव्यू दिखाता हूं। बढ़िया, ये ग्लास टॉप का हमारा स्टोव है, नया वीडियम कंपनी का ये है। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ घुमा लेता हूँ ताकि तो दैट कि आपको इसको अच्छा व्यू आपको मिलेगा। ये देखिए, इसमें ये 3 बर्नर दिए हुए हैं और ब्रास का ये सारा बर्नर है, और इसका ये जो ग्लास टॉप है ये 8 mm थिक है और इस पर लाइफ टाइम वारंटी है। ये सबसे अच्छी चीज जो हम लोगों को, जब हम लोग ये सारे ग्लास टॉप के जितने भी स्टोव हैं हम कंपेयर कर रहे थे, तो ग्लास के ऊपर लाइफ टाइम वारंटी सिर्फ बीडीएम दे रहा है अभी मार्केट में, और किसी पे तो मुझे मिली नहीं। तो दिस वाज अ वन थिंग वो जिससे मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, और इसका डिजाइन भी आप देखिए कितना बढ़िया, और थोड़ा गॉडी जरूर है लेकिन हाँ अच्छा लग रहा है। तो इसमें ये 3 बर्नर्स के लिए नॉब दिए हुए हैं ये और नियॉन नियॉन ऑरेंज कलर है, तो ये एकदम इस पे बहुत ब्राइट बहुत भी और अच्छा अच्छा दिख रहा हाईलाइट है। कर रहा हाँ है। और ये लाइफ टाइम वारंटी का इस पे यहाँ ये पर भी देखिए टैग टैग लगा हुआ लगा है, हुआ जिससे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आया था तब भी इन्होंने ये सारी चीजें जो है, ये सारे स्टैंड्स जो है पैकिंग वो पैकिंग में पैकिंग जो बहुत अच्छे से पूरे इन्होंने करी थी। बांध ये के सारा पूरा दिए थ्रेड से ये बंधा हुआ था ताकि ये हिल करके कभी ग्लास पे कोई भी थे। और वो स्क्रैच ना कर दे। हाँ तो इसमें ये जो 3 बर्नर्स दिए हैं अलग साइज के, एक सबसे बड़ा है, एक मीडियम साइज का बर्नर है और एक स्मॉल साइज का बर्नर इसमें दिया हुआ है। और ये आप जैसे कि देख रहे हैं ये स्पिन ट्रे होती है, सो दैट कि अगर अभी खाना बनाते समय कुछ भी अगर गिरे तो ये डबल प्रोटेक्शन दिया हुआ है, आपका प्लेटफॉर्म कभी गंदा नहीं होगा, आप इजीली ये क्लीन भी हो जाता है। तो ये इस तरीके से इसका सेटअप होता है, और ये इन्होंने बर्नर्स को भी बहुत अच्छे से पैकिंग, इनकी वाकई में बहुत बढ़िया बहुत पैकिंग की बढ़िया है इन्होंने, बहुत पैकिंग अच्छे से करी पैक है। करके दिया है सो दैट कि ये कभी भी कोई दिक्कत ना हो। और इसके साथ में इन्होंने ये एक्स्ट्रा एक स्टैंड टाइप का दिया हुआ है, क्योंकि ये ग्लास टॉप है और अगर जब आपको कभी गैस तंदूर, तंदूर का जब भी हम यूज करते हैं, तो ये मेरा एक बहुत बड़ा एक क्वेरी थी। मेरी एक फ्रेंड है, उनके साथ ऐसा हो चुका था कि उन्होंने गैस स्टोव पे मतलब डायरेक्ट जब ये ओवन रखा था, तंदूर रखा था, तो उनकी जो क्रैक इसमें क्रैक आ गया था। इसलिए मैं कभी भी प्रिफर नहीं करती थी कि मैं ग्लास टॉप लू गैस स्टोव में। लेकिन फिर मुझे पता लगा कि इसके साथ में ये इस टाइप का स्टैंड आता है, ये जरूर यूज करना चाहिए जब भी हम गैस तंदूर रखते हैं, ताकि इससे जो है वो गैस इसको इस जो तरीके से यहां बर्नर पर है रख करके सो दैट कि थोड़ा फ्लेम्स सा जो है इसको वो एक एक्स्ट्रा फ्लेम स्पेस मार्जिन मिल मिल जाता जाता है है। इस पर, हाँ और
जो जब हमारा तंदूर होता है वो नीचे से जब हीट होता है तो उसकी हीट डायरेक्टली ग्लास पे नहीं जाती है। इसके साथ में इन्होंने ये कैटलॉग भी दिया है जिसमें वारंटी कार्ड भी इसी के अंदर है। इस पे ग्लास पे जैसे हमने आपको बताया कि ये लाइफ टाइम वारंटी के साथ आता है और बाकी सब चीजों पे एक साल की इसकी वारंटी है। और इसमें कई सारे मॉडल्स इनके थे जो कि आप यहाँ साइड पे स्क्रीन पे भी आपको इसकी डिटेल पिक्चर दिख जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा इसका लिंक। यहाँ पे कई सारे कलर्स और मॉडल्स इनके अलग अलग थे। 4 बर्नर भी इनका आता है और 2 बर्नर का वर्जन भी इनका आता है, लेकिन हमको 3 बहुत सूट हो रहा था। 3 हम लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वैसे मैं 4 बर्नर भी प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस ले लेते हैं वो, इसलिए मैंने फिर 3 बर्नर का एक्चुअली आइडियल साइज इन्होंने बनाया है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे अच्छे से आ जाता है और आराम से आपके पास काफी सारी जगह मैनेज करने के लिए चीजें होती हैं। तो लेकिन काश्वी को इन सभी कलर्स में से ये नियॉन ऑरेंज पसंद आया था तो इसलिए ये काश्वी की चॉइस है ऑब्वियसली। तो चैनल भी काश्वी का है तो काश्वी की चॉइस तो चलानी पड़ती है। और तो चलिए इसको बस अब हम आगे आपको यूज करके दिखाते हैं इसको गैस पे कैसे रन होगा। ये क्रांति से इंट्रोडक्शन करवा दो लोगों का। तो ये है हमारी क्रांति और कितनी गंदी लगती है। गंदी नहीं है, इसी ने तो अपना चैनल स्टार्ट किया भैया। तो चलो कोई बात नहीं, अब क्रांति को करो बाय बाय क्योंकि विडियम आंटी आ गई हैं। लेकिन हमने इसका एक्सचेंज में नहीं दिया है क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि गैस जो हमेशा अपने पास एक स्पेयर में होना चाहिए। बिल्कुल, वो कभी भी हमको काम में आके कोई प्रोग्राम हम करते हैं या किसी को भी जरूरत हो तो आजकल कोई एक्सचेंज में कुछ खास कॉस्ट मिलती भी नहीं है। और ये बहुत अच्छा भी है, हमारा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस ये थोड़ा पुराना हो गया था। आजकल न्यू पैटर्न के सारे चूल्हे आ गए। काफी सारे मेरी फ्रेंड्स ने भी बोला था कि आपके वीडियोस बहुत अच्छे हैं, ब्लॉग भी बहुत अच्छे हैं, बट आप अपने गैस चूल्हे को बाय बाय करिए और नया गैस स्टोव लेकर आइए। तो इसके लिए मैंने इसको चेंज किया है। बाकी ये बहुत अच्छा है और बहुत पुराना भी है, मेरी बहुत सारी यादें हैं इसके साथ, तो मैं इसको भी साथ में ही रखूंगी पर हम इसको अच्छे से स्टोर करके रखेंगे। पापा कर रहे हैं इंस्टॉल फिर। हाँ चलो, सबसे पहले हम अपना ये इसको नॉब को बंद कर लेंगे और इसको मैं एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से खोल लेता हूँ। तो गैस का इंस्टॉल हमने कर दिया है गैस स्टोव को और अब इसका पूजन करने के लिए हमने मम्मी को बुलाया है। तो मम्मी आ रही है पूजन करने के लिए। आ जाओ मम्मी। हाँ जी। तो चलिए मम्मी हमारी आ चुकी हैं पूजा की थाली लेके। हाँ। और अब इसका आप पूजन कर दो जल्दी से। बहुत बढ़िया। तो क्या आज बनाने वाली है मैडम नए नए चूल्हे पे? बनेगा गाजर का हलवा। ओके। उससे गाजर का चाय बनाऊंगी। अच्छा, पहले चाय बनेगी नए नए चूल्हे पे? चाय का टाइम हो गया। चाय का टाइम, चलो चाय का टाइम भी हो चुका है। वो भी मीठी होती है चाय भी। बिल्कुल बिल्कुल। और बस उसके बाद बढ़िया चले गैस, खूब दिन तक चले और उनका चैनल खूब फले फूले। चलो मम्मी ने ब्लेसिंग दे दी है भैया। अच्छी डिशेस बनाए और आप लोगों को हमारी रेसिपी सारी पसंद आए। तो आप लोगों की ब्लेसिंग सब प्रताप। बहुत सुंदर लग रही है ना भाई गैस उसके लिए। तो ये बहुत ही अच्छे हैं ये। इसके थोड़ा सा प्रेस करो। हाँ, प्रेस करके बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखो, ये मैंने श्री गणेश कर दिया। बहुत बढ़िया, तालियां भरी। और ये चलो भाई, तो चाय पड़ा पड़ेगी सबसे पहले। हाँ।
अब हम लोग का टी टाइम हो गया है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो हमारे ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप लोग बहुत जरूर करें सारे हमारे रेसिपीज को, ब्लॉग्स को। हम लोगों को आपके प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। सभी लोग हमारी रेसिपीज को भी शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सारी न्यू अपडेट्स हमारे मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डीजे एक्स की तरफ से बाय।